मैं नहीं मानती भाई ये फिर भगवान का दिया हुआ गिफ्ट ही है जो ये ऐसे लिखा है इतनी जल्दी और इतने अच्छे लव्स और जो म्यूजिक के साथ सुना है वो तो नेक्स्ट लेवल लग रहे थे। जिम जा रहे हो सर नहीं यार? शाम को शिफ्ट कर दिया। क्यों सुबह क्या हो गया? सुबह मीटिंग होती है थोड़े दिन में बंद हो जाएगी। देखो शुरू ऐसे होता है, शुरू सुबह होती है फिर शिफ्ट शाम को होती है फिर बंद हो जाती है। ऑफिस आया हूँ, ये दोनों जाग तो बैठे हुए ऐसे ही फ्रीलांस मोड में बैठे हुए। गुड मॉर्निंग बकलोल जनता, वेलकम बैक टू द बकलोल टीवी व्लॉग्स। यार कल के और आज के दिन में कितना अंतर है ना, कितना फर्क है ना। कल मतलब बारिश थी, घने घनिष्ठ काले बादल थे और आज वही नीला आसमान, वही पीला सूरज और वही धूप और वही गर्मी और वही जिंदगी बेकार सी। मुझे पता नहीं क्यों मतलब बारिश में ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अच्छी, ज़िंदगी बेहतर है, बट जब ये धूप होती है ना लगता है कि यार वो मायूसी ज़िंदगी में फिर से आ चुकी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट फिलहाल नया दिन नया सवेरा है ही, तो नए दिनों नए सवेरे की करते हैं शुरुआत हम हर रोज़ की तरह भोले बाबा जी का नाम लेके। इससे विद मी हर हर महादेव। और पाश अंकल मिले आज बड़े दिन बाद। पाश अंकल तारी बुना के हाल चाल ठीक हो? ठीक ठाक बढ़िया। और दो दिन लगे तो है, मैं थोड़ा चक्कर भी ये था, चक्कर भी ये था। हाँ। गर्मी बड़ी था, गर्मी बड़ी ना था। और सुनाओ ठीक है? कल मौसम ठंडा हुआ थोड़ा। कल होया के कहता है? कल तो है थे बड़ी बार से गंद पे था ग्रेट क्लास। हां वो बड़ा दिखे ना, दिखे तो व्लॉग दिखे। चल ठीक है और सुनाओ? ठीक है ठीक है बढ़िया बढ़िया। पाश अंकल ने देखो हमारे वॉलपेपर स्कैनर लगाया हुआ है कि जो भी आओ सीधा पहा दो, ठीक है? ये बढ़िया है। चलो ठीक है अंकल, फिर अभी ऑफिस में थोड़े से काम वगैरह खत्म करके बाहर निकले हम। अभी जा रहे हम एक कहीं जा रहे हैं होटल में, मीटिंग है थोड़ी सी, काम शाम है ना हमारे, मीटिंग्स ही बड़ी होती है। जब मीटिंग्स होती है तो मीटिंग्स ही चलती रहती है। बट फिलहाल बाहर धूप बड़ी ज़्यादा है, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन थी ना कल के बाद। मैंने वेदर चेक किया, सवेरे 10 बजे तक बादल और बरखा बता रहे थे, मैं शायद से ये आगे भी हो सकता है। पता है सवेरे 7 बजे उठा, मैं 7 बजे देखा बाहर धूप ऑलरेडी, तो वो थोड़ा सा दिल पे मेरे पत्थर जरूर हो गया। बट चलो क्या ही कर सकते हैं, फिलहाल चलता हूँ आपको मिलाता हूँ किसे मिल रहा है। तो भाई आज की हमारी मीटिंग है चौधरी साहब से। हमारे पैर चौधरी साहब कैसे हो आप? As usual, great. Great. सब कुछ बढ़िया? बढ़िया। जिम जा रहे हो सर नहीं यार? शाम को शिफ्ट कर दिया। क्यों सुबह क्या हो गया? सुबह मीटिंग होती है, थोड़े दिन में बंद हो जाएगी। देखो शुरू ऐसे होता है, शुरू सुबह होती है फिर शिफ्ट शाम को होती है फिर बंद हो जाती है। ये दुनिया का दस्तूर है चौधरी साहब, ऐसे होता है। नहीं नहीं सुबह क्योंकि हमारे ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग होती है। ऑस्ट्रेलिया यू नो इज अ बिजी पर्सन, ही हैज सो मेनी मीटिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया। नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते मीटिंग करने के लिए, ऑनलाइन होती है यू नो, बच्चों को बार बार भेजते हैं। तो वैसे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंडिया रिकॉर्ड, 10 दिनों में उन्होंने पीटी में 90 में से 90 लाए। इन्होंने नहीं मतलब जो हमारे दानिश भाई हैं इन्होंने, कांग्रेचुलेशंस मेनी मेनी। थैंक यू। कैसा लग रहा है 90 में से 90 लाके? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जाके भी इतने लाओगे? हां कोशिश तो करूंगा। नहीं सही बात, सही बात यार, प्लैनेट गुरु चॉइस साहब बहुत अच्छा छाप छोड़ रहे हो। तो इसी खुशी में आज हम कर रहे हैं लंच, तो पीनट मसाला खिला रहा हूँ मैं इनको। मैं हेल्दी खाना है ठीक है, और हम भी खुद सैलड खा रहे हैं। ये देख लो ऐसे नहीं कि मतलब चीटिंग हो रही है, खुद भी हम सैलड वगैरह खा रहे हैं और बाकियों को भी ऐसे ही कुछ खिला रहे हैं। ठीक है बाय बाय जॉर्ज साहब। सो भाई ऑफिस आया हूँ, ये दोनों जाग तो बैठे हुए ऐसे ही फ्रीलांस मोड में बैठे हुए हैं। क्या करके आए अभी, काम करके आए? कौन सा काम किया आपने? दसो क्या कहता, सुनाओ मैं रीले बताओ यार कौन सी रील है? कितनी बनाई है? कितनी? दो, सिर्फ दो? बताओ जल्दी। क्या यार कन्नू यार, मतलब एप्पी तो जल्दी है, मैं कन्नू सामने 4-5 तो होनी चाहिए थी यार। क्या यार कन्नू रीले याद आती है, आज खबर सुनी है बहुत तगड़ी हमने, आपको सुनाते हैं कैमरा ऑफ करके। मैंने अभी थोड़ा सा बाहर गया था थोड़ा काम करने के लिए, एंड हमारे ऑफिस में एक मेहमान आए हैं जो कि थोड़ी सी देर से हमारा वेट कर रहे हैं, तो चलो चलते मिलते हैं। हेलो सॉरी आई कैप यू वेटिंग, कैसे हो? ऑल गुड? बढ़िया गुड गुड। मजे में? कितना मिनट कराया मैंने? 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट तो कराया, शुक्र है। बच गए, ज्यादा नहीं, मैं डर गया था। और ऑल गुड? बढ़िया, दिन ब दिन यंग होते जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं। गौरव भैया पता नहीं कौन सा प्यार कर रहे हैं। पता नहीं कौन से प्यार का असर है जो ऐसा हो रहा है, बट अच्छी बात है, प्यार का असर दिख भी रहा है। डायरी में लिख चुका हूँ
उनका भी कोई आइडिया कोई कुछ मालूम नहीं है मैंने कैसे ऐसे हाथ रख रख के तो मेरे से नहीं पड़ जाता फिर थोड़ी आई ओह व्हाट डू यू थिंक कैसी होगी ऑब्वियसली सौरभ कल्याण ने लिखी है भाई ऐसे वैसे थोड़ी हुई है थैंक यू थैंक यू अब भाई टेस्ट का टाइम आया टू बी वो क्या था परीक्षा का टाइम आया दिमाग से परीक्षा गई नहीं और परीक्षा देनी पड़ी जिंदगी की वेरी क्लेवर माय बॉय मैं सब समझ रहा हूं तो चलो देखते हैं क्या बनता है मेरा दिल अभी भी धक धक कर रहा है बट मेरी जो पोएट्री लिखी थी मैंने वो खत्म हो चुकी है सुना भी नहीं मैंने हाँ मतलब इसमें सुना लिया अभी वो रील में देख लेना आप सब पर यार मतलब सच में मैंने मेरे को नहीं पता ही मैंने ये कैसे कर लिया अदरवाइज जैसे अगर शायरी लिखना मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जब बंदा एकदम अकेला बैठा है और अपने जोन में है अकेले कमरे में लाइक है ना वो वैसा माहौल बना के शायर वाला जो मेरे को लगता है मतलब मैं बैठी हूँ दो तीन लोग और आगे पीछे है और मैं फ़ोन चला रही हूँ कभी देख रही हूँ डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ आपके फ़ोन पे कोई मैसेज आ रहा है बंदा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बावजूद इतना अच्छा लिखना सीरियसली बहुत अमेजिंग लिखा है और इतनी जल्दी मैं नहीं मानती भाई ये फिर भगवान का दिया गिफ्ट ही है जो ये ऐसे लिखा है इतनी जल्दी और इतने अच्छे लव्स और जो म्यूजिक के साथ सुना है वो तो नेक्स्ट लेवल लग रहे थे अपने जोन में जाके जैसे आप बता रहे हो कि मतलब म्यूजिक या जो भी आपका जोन है बट स्टिल व्हेन पीपल आर अराउंड यू कैन नॉट डू योर 100% बट यू डिड योर 1000% So सज्जनों दिव्या जी को बाय बाय करने के बाद ढेर सारा वक्त मैंने बिताया अपने ऑफिस में क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम था करने के लिए यू नो एडिटिंग करनी थी मुझे जो दिव्या जी के साथ रील शूट की थी मुझे वो भी चेक करनी थी एंड कुछ नई सीरीज में लाने वाला हूँ तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है स्क्रिप्टिंग कर रहा था फिर यू नो चलता रहता है वो सब कर रहा था और अभी रात के 9 बज चुके हैं एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू माय होम घर जा रहा हूँ मैं रात के अंधेरे में अपने फेवरेट टाइम में और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है मज़ा आ रहा है।